Good morning, student. Today we do English grammar preposition. First, I will tell you what is preposition. The preposition, a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show the relation in which a person or thing stands to another person or thing. प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रनाउन से पहले आकर नाउन और प्रनाउन का या किसी भी व्यक्ति वस्तु का संबंध दूसरी व्यक्ति या वस्तु से दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल हैं ऑन, इन, अंडर, ऑफ एट्सेट्रा. चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल प्रेपोजिशन. रिया इज सिटिंग अंडर द ट्री. रिया क्या है? नाउन. द ट्री क्या है? नाउन. तो द ट्री से पहले क्या आया है? अंडर. तो अंडर क्या है? प्रेपोजिशन. तो अंडर क्या कर रहा है? रिया और ट्री के बीच में रिलेशन शो कर रहा है. जैसे रिया इज सिटिंग अंडर द ट्री, जो रिया है वो पेड़ के नीचे बैठी है. सेकेंड, द बुक्स आर ऑन द टेबल. ऑन प्रेपोजिशन, किताबें टेबल पर रखी हुई हैं. द गर्ल इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, जो गर्ल है वो पेड़ के पीछे छुपी हुई है. तो बिहाइंड क्या है इसमें? प्रेपोजिशन. राम इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी. राम को हॉकी खेलना बहुत पसंद है. पिक, द टीचर इज स्टैंडिंग नियर द बोर्ड, जो टीचर है वो बोर्ड के पास खड़ी है. नियर इज प्रेपोजिशन. शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है. फ्रॉम क्या है इसमें? प्रेपोजिशन. सेवन, ज्योति इज स्टैंडिंग बिटवीन हर फादर एंड मदर. बिटवीन के बीच में, जो ज्योति है वो अपने मम्मी और पापा के बीच में खड़ी है. द बॉय इज प्लेइंग अ बैट, सॉरी, द बॉय इज प्लेइंग विद अ बैट, जो बॉय है वो बैट के साथ खेल रहा है. विद के साथ. द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, जो बर्ड है वो ट्री के ऊपर से उड़ रहा है. ओवर, ऊपर से. ही डाइव्ड इनटू द वाटर, उसने पानी में छलांग लगाई. इनटू प्रेपोजिशन. आई गेव द पेन टू प्रिया, मैंने प्रिया को पेन दिया. द बॉय आ सॉरी द बॉयज आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ शॉप, जो बॉयज हैं वो शॉप के सामने खड़े हैं. इन फ्रंट ऑफ क्या है इसमें? प्रेपोजिशन. आई होप प्रेपोजिशन आपको समझ में आई होगी.